वीजा टू स्टडी में आपका स्वागत है। ये वीडियो है हर उस स्टूडेंट के लिए जो चाहता है कि मैं कनाडा जाऊं और फिर एक और सपना होता है कि पीआर जल्दी से हो जाए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आप कनाडा जाएं तो कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखें, कौन कौन सी प्रोविंस में जल्दी पीआर होता है, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं स्टूडेंट्स के लिए, डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, नंबर ऑफ ईयर्स की स्टडी भी इम्पैक्ट करती है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी। सबसे पहला पॉइंट है प्रोविंस। क्या आपको पता है कि जिस प्रोविंस में स्टडी आप करने आते हैं उसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए पीआर के लिए एक सेपरेट प्रोग्राम होता है। जिस प्रोविंस में भी आप जाते हैं उसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के प्रोग्राम होते हैं। ओंटारियो से अगर आप स्टडी करते हैं तो यहाँ स्टूडेंट्स के लिए इंडिविजुअल प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का नाम है EJOISS, एम्प्लायर जॉब ऑफर इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम। जो भी स्टूडेंट्स ऑन्टोरियो से 2 साल की स्टडी करते हैं और जब उनको जॉब ऑफर लेटर मिल जाता है तो वो अपनी पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही और भी प्रोविंस हैं अंडर दिस प्रोग्राम, जैसे कि अटलांटिक रीजन है, इसके अंदर 4 प्रोविंस आती हैं, नोवा स्कॉटिया, न्यू ब्रंसविक, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड और न्यूफाउंडलैंड। इन चारों से अगर आप स्टडी करते हैं तो 2 साल की स्टडी और उसके बाद अगर आपको वहां से जॉब ऑफर लेटर मिल जाता है तो आप उसके थ्रू इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम में अप्लाई कर सकते हैं और किसी एक्सपीरियंस की भी जरूरत नहीं होती है। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज वन ऑफ द इजिएस्ट प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स। AIP में ऐसी और भी प्रोविंस हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में अपना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अलग प्रोग्राम है। जब भी आप प्लान करेंगे तो केयरफुली रिसर्च करें कि कौन सी प्रोविंस में आपको जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है हमारा ड्यूरेशन ऑफ कोर्स। ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। 1 साल का कोर्स करने के लिए आप आएंगे या 2 साल का, ये डिपेंड करता है क्योंकि इसका इंपैक्ट आपके पीआर के ऊपर ही होता है। कैरियर पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा कि आपने ये डिग्री की है, डिप्लोमा किया है, 2 साल का कोर्स किया है। मेन जो पीआर प्रोग्राम होते हैं, अगर मैं एम्प्लॉयर जॉब ऑफर लेटर वाले की बात करूं तो जो प्रोग्राम में लिखा हुआ है कि आपको 2 ईयर्स की स्टडी चाहिए और RNIP एक प्रोग्राम है, रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट, उसमें 2 ईयर्स की स्टडी चाहिए, 1+1 भी नहीं चलेगा। अगर आपने 1 साल का कोई और कोर्स किया है और फिर 1+1 का एक और कोर्स ले लिया है वर्क परमिट एक्सटेंड करने के लिए कि ज्यादा इसका वर्क परमिट मिल जाएगा, तो वो भी नहीं चलेगा। 2 साल की स्टडी चाहिए अटलांटिक इमिग्रेशन का, जो मैंने आपको प्रोग्राम बताया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का, उसमें भी 2 साल की स्टडी चाहिए। मोस्ट ऑफ प्रोग्राम्स में आप सेफ हो जाते हो अगर आप 2 साल की स्टडी वीजा लेकर आते हो और आप एलिजिबल हो जाते हो पीआर के लिए। हम स्टडी वीजा में भी हेल्प करते हैं, इसके अलावा हम चाहते हैं कि आपको अगर स्कॉलरशिप चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, इसमें भी आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी। अगर आप 2024 इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दिस इज द राइट टाइम, बिल्कुल सही टाइम है। क्या लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी कनाडा में हैं और अपना कॉलेज चेंज करना चाहते हैं या फिर आपने 1 साल की स्टडी पूरी कर ली है और कोई और सेकेंड कोर्स करना चाहते हैं 2nd ईयर के लिए, तो भी आप कॉल या टेक्स्ट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प की जाएगी। 3rd पॉइंट है डिग्री वर्सेस डिप्लोमा। बहुत सी ऐसी प्रोविंस है जिसमें अगर आप डिग्री करते हैं तो आपको पीआर प्रोग्राम में एलिजिबिलिटी मिलती है, आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा किया हुआ है तो आप नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मास्टर्स और PhD ग्रेजुएट्स, ये प्रोग्राम है ओंटारियो में। और अगर आप यहां से मास्टर्स करते हैं तो डायरेक्टली आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रोग्राम ब्रिटिश कोलंबिया में भी है। अगर आप यहां से मास्टर्स करते हैं तो भी आप पीआर के अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली विदाउट एक्सपीरियंस। अगर आप डिप्लोमा करेंगे तो आप नहीं कर सकते। डिप्लोमा के लिए ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है कि आपने डिप्लोमा किया है तो आप पीआर के लिए अप्लाई करेंगे। तो आप ध्यान से सेलेक्ट करेंगे कि डिग्री करना है या डिप्लोमा करना है। मास्टर्स के लिए आपको एक्स्ट्रा 15 पॉइंट्स मिलते हैं और पीआर के जो प्रोग्राम है मास्टर्स के वो अलग है, लेकिन 15 पॉइंट्स आपको मिलते हैं। एक्सप्रेस एंट्री में भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो डिग्री का बहुत इंपैक्ट होता है, नॉट ओनली इन पीआर बट ऑल्सो इन योर कैरियर ऑल्सो। आपके स्किल्स होते हैं लेकिन एजुकेशन भी मैटर करती है, आपका जो फाउंडेशन है वो कैसा है ये बहुत मैटर करता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज योर फील्ड ऑफ जॉब।
जब आपको फील्ड जॉब मिलती है, पहला पॉइंट तो ये है कि आप मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स में एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि मोस्टली यही रिक्वायरमेंट होती है कि जैसे ही आपको जॉब ऑफर लेटर मिले आप एलिजिबल हो जाओगे। इसके अलावा जब आपको फील्ड जॉब मिलती है तो और एक साल कंप्लीट हो जाता है, उस जॉब में आप सीई स्ट्रीम में भी एलिजिबल हो जाते हो। सीई मीन्स कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। जब आपको कनाडा का एक साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी फील्ड जॉब के लिए पहले ही अप्लाई करना शुरू कर दें। स्टूडेंट्स पीआर प्रोग्राम के लिए मोस्टली जो प्रोग्राम है वो आपका 2 साल का टाइम देते हैं। जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है उसके 2 साल के अंदर अंदर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट से टीम से अप्लाई कर सकते हैं। जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो आपको 2 साल मिलते हैं और 2 साल के अंदर ही आपको अप्लाई करना है। सिमिलरली ब्रिटिश कोलंबिया में भी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का प्रोग्राम है उसमें भी इतना ही टाइम मिलता है। थैंक यू फॉर योर टाइम। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।